ईरानी कामिकाज़ी ड्रोन से रूस की यूक्रेन पर बारूदी बारिश जारी। यूक्रेन का दावा, रूस के 300 से ज्यादा ईरानी ड्रोन मार गिराए। वायुसेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। वायुसेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने 300 कामिकाज़ी ड्रोन मार गिराए। और पता यह चल रहा है कि अब रूस अपने अगले सेट ऑफ ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहा है, और यह भी रूस की नहीं वेस्टर्न एजेंसीज की तरफ से आई हुई खबर है कि असल में क्योंकि उनकी मिसाइल्स डिप्लीट कर रहे हैं, उनके पास उतने बचे नहीं हैं, इसलिए अब वो ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। मुकेश सर, कमेंट इस पर आपका। दरअसल मैं फिर से आशीष के बात पर जाना चाहूंगा, वापस उसी पर, कि बीबीसी की उसी इंफॉर्मेशन वारफेयर का नतीजा है कि बीबीसी की खबर आई है कि अब मॉस्को की सड़कों पर या रूस की सड़कों पर मर्द कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मर्द वहां से भाग गए हैं, 10 लाख भर्तियां होनी है और उनको मौत का डर सता रहा है। अगर सर्दियां शुरू होने के बाद मर्द सड़कों पर कम दिखाई देने लगे तो इसको भी एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा बना सकते हैं आप। चाइना ने हमारे साथ ऐसा ही करना चाहता है एलएसी पर, जब उन्होंने कहा था कि हम लोग रक्तदान शिविर कर रहे हैं और 300 कितने अस्पतालों से उन्होंने कितने ब्लड एकत्र कर लिए हैं भारत को डराने के लिए कि युद्ध की तैयारी हम पूरी कर चुके हैं, जबकि आखिरकार क्या हुआ कि उनको एलएसी से पीछे जाना पड़ा। अगर ये सारे दावे हवाओं में होंगे तो उनकी हकीकत एक दिन धरती पर सामने आएगी और आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी यही होगा। रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो बोले हैं, अगर वो युद्ध शुरू करने से पहले बोलते तो ज्यादा अच्छा था, 8-9 महीने बाद वो उन्होंने बोलना उचित समझा, क्योंकि वो अब इस युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको युद्ध समाप्त करने की अब है। तो क्या ये व्लादिमीर पुतिन का डेस्परेशन दिखा रहा है युद्ध को खत्म करने को लेकर, और वो चाह रहे हैं कोई एस्केप रूट मिले, ये भी एक बड़ा सवाल।